अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको ड्रम स्टिक की तरीका बता रही हूँ, ड्रम स्टिक बनाने का। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप ड्रम स्टिक अपने घर में बना सकते हैं। मगर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिले। सबसे पहले ये हमने थाई की हड्डियाँ ले ली हैं जो थाई के नीचे होती हैं, और ये थाई का हमने गोश्त लेना है। इसके लिए बिल्कुल सॉफ्ट और नरम गोश्त इस्तेमाल होता है जो थाई का होता है। ये तमाम गोश्त मैंने 1 किलो के करीब लिया है और ये मैंने हड्डियाँ इसकी ले ली हैं। अब मैंने सबसे पहले हड्डियों को मैंने सिरका और काली मिर्ची लगा के रखना है। तमाम हड्डियाँ मैंने एक बर्तन में डाल ली हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नमक का लिया है और 1 टीस्पून काली मिर्चों का लिया है, दोनों मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून सिरका डालना है। सिरका डाल के दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, काली मिर्चें और नमक और सिरका हमने इसके अंदर डाल के इसको 2 घंटे के लिए रख देना है। 2 घंटे बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है। हड्डियों को हमने मसाला लगा दिया था 2 घंटे पहले, इसमें काली मिर्च नमक और सिरका हमने लगा के हड्डियों को रख दिया था। 2 घंटे गुजर गए, अब हमने हड्डियों को एक बर्तन में डालना है। इसके अंदर अब हमने मैदा लेना है, 2 टेबलस्पून मैदा भर के। इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर लेना है 1 टेबलस्पून भर के। अगर हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है तो 1 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर का लेंगे। इसके अंदर हमने चिली सॉस डालनी है 2 टेबलस्पून, सोया सॉस डालनी है 2 टेबलस्पून। तमाम चीजों को इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये हड्डियां तैयार हो गई हैं ड्रमस्टिक के लिए, इनको अब हमने रख देना है और इसके बाद हमने इसका कीमा तैयार करना है। आधा किलो हमने प्याज ले ली, इसको छील के काट लिया है। अब हम इसे चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। चॉपर के अंदर हमने प्याज को डाल लेना है और इसको चॉप करके इसका पानी निकाल लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ चॉप करने के बाद। इसको आपने कपड़े में निकाल लेना है। तमाम प्याज कपड़े में निकालने के बाद मैं इसे बताती हूँ इसका पानी आपने कैसे निकालना है। कपड़े में डालने के बाद आपने कोई भी सूती कपड़ा ले लेना है, उसको इस तरह प्याज को दबा के उसका पानी निकाल देना है। हमें बिल्कुल सूखी प्याज चाहिए, प्याज का पानी हमने दबा दबा के अच्छी तरह निकाल देना है। प्याज को मैंने छन्नी में रख दिया ताकि उसका पानी अच्छी तरह निकल जाए। अब हमने ये मैंने थाई का गोश्त लिया है, ये 1 किलो है, इसको हमने कीमा करना है। मैं चॉपर में डाल के इसका कीमा करती हूँ। चिकन का हमने कीमा कर लिया है, इसको मैंने उसमें चॉपर में डाल के कीमा बना लिया है। अब हमने हरी मिर्चें लेनी है 50 ग्राम। 50 ग्राम हरी मिर्चें हमने एक ब्लेंडर में डाल के चॉपर में, इसमें थोड़ा सा सिरका डाल के इसको हमने चॉप कर लेना है। 2 चम्मच हमने इसके अंदर सिरका डालना है, इससे ज़्यादा सिरका नहीं डालना, और इसको हम चॉप कर लेंगे। कीमे को हमने चॉप करके एक बर्तन में डाल लिया। तमाम कीमा हम एक तसले में या एक बड़े बर्तन में या बॉल में डाल लेंगे। उसके बाद वो जो प्याज का हमने पानी निकाला है, वो प्याज बिल्कुल इस तरह बिखर के आ जाएगी जब इसका तमाम पानी निकल जाएगा। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। तमाम पानी इसके अंदर हमने डाल दिया। अब हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के मैदा डालना है। ये मैं आपको 1 केजी का बता रही हूँ। 1 केजी इसमें गोश्त है, 1/2 केजी इसमें प्याज है, और हमने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के डालना है। अगर हमने 2 टेबलस्पून मैदा डाला है तो 1 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। बेकिंग पाउडर हमने 1 टीस्पून डालना है। 1 टीस्पून के आइडिया से आप इसके अंदर डाल लें। हमें जब भी ये एक भी मैदा या कोई भी चीज़ डालनी है तो तीनों चीज़ें साथ साथ ही इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर सोया सॉस हमने 2 टेबलस्पून डालनी है, रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून, मिर्चों को हमने सिरका डाल के पीस लिया था, वो मिर्चें भी हम इसके अंदर डाल देंगे।
हमने इसके अंदर लहसुन पिसा हुआ डालना है, एक टेबलस्पून भर के हमने इसमें लहसुन का पाउडर डालना है। लहसुन का आपने पीस के नहीं डालना, लहसुन का पाउडर डालना है। अब काली मिर्च भी हमने एक टेबलस्पून इसके अंदर डालनी है। ये मैं एक किलो का मेज़ा सारा आपको बता रही हूँ, एक किलो के मुताबिक हमने इसको तैयार करना है। अब ये तमाम चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। नमक एक टेबलस्पून हमने भर के डालना है। आप फिर भी इसको टेस्ट कर लेना, अगर आपको लगे ये कम है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरह चिकन के अंदर मिक्स करनी है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये मिक्स करने के बाद हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। फिर हमने इसके आगे ड्रमस्टिक तैयार करनी है। कीमा तैयार हो गया है, अब हमने कीमे को हाथ पे लेना है। 100 ग्राम के करीब आपने कीमे को हाथ में लेना है। अब आपने इसके अंदर स्टिक को डालना है, जो हमने हड्डियां ली थी। आपने इस तरह हाथ को रखना है, स्टिक को इस उंगली के बीच में करना है और इसको इसके ऊपर बनाना है। इसी तरह बहुत ही आसान है बना के। आप इसे 1.5 घंटा फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने के बाद आपने इसको फ्राई करना है। ये हमारी तैयार हो गई है, मैंने तैयार कर लिया। अब इसे 1.5 घंटे मैं फ्रिज में रखूंगी और 1.5 घंटे बाद मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। 1.5 घंटे बाद ऑयल मैंने चूल्हे पे रखा है कढ़ाई में डाल के। अब हमने इसको गर्म करके इसमें अपनी ड्रम स्टिक फ्राई करनी है। हमने ऑयल गर्म हो जाए, ऑयल को हमने गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद जब ऑयल गर्म हो, ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना, वो जो हमने ड्रम स्टिक बनाई थी वो ऑयल में डाल दें और इसको हल्की आंच पे फ्राई करने दें। ड्रम स्टिक तैयार हो गई है दोनों तरफ से, ये अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब हमने इनको प्लेट में निकालना है। ड्रम स्टिक तैयार है, बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में।